दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने दिल्ली में पानी की समस्या के लिए हरियाणा को दोषी ठहरा दिया है। उनका आरोप यह है कि हरियाणा के द्वारा दिल्ली को पानी ना देने से वजीराबाद पॉन्ड का जल स्तर जो है वो घट गया है। इससे दिल्ली के वजीराबाद, चंद्रावल और ओखला जल संयंत्र में कच्चे पानी का सप्लाई नहीं हो पा रहा है और इसी का खामियाजा एक तिहाई दिल्ली को पीने के पानी के संकट के रूप में भुगतना पड़ रहा है। देखिए, दिल्ली पूरी तरह से यमुना के पानी पर डिपेंडेंट है अपनी वाटर सप्लाई के लिए, और यमुना में उतना पानी आता है जितना हरियाणा पीछे से छोड़ती है। यहां पर हम वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पर हैं, यहां पर पीछे ये वजीराबाद पॉन्ड है जहां से पानी वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में, चंद्रावल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में और ओखला वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में भेजा जाता है। यहां का नॉर्मल लेवल 674.5 फीट रहा है। पिछले साल भी 30 मई को इतना ही पानी था, 674.5 फीट। इससे हमारे तीनों वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स अपने फुल कैपेसिटी पे चल सकते हैं, लेकिन आज के दिन पे 670.3 फीट मात्र पानी आज यहां पे वजीराबाद के यमुना पॉन्ड पर है। क्यों है? क्योंकि हरियाणा पीछे से पानी नहीं छोड़ रही है। अगर हरियाणा पानी नहीं छोड़ेगी तो हमारे जो तीन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं, ये वाटर ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, पानी कैसे सप्लाई करेंगे? और इन तीनों वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से दिल्ली की एक तिहाई से ज्यादा जनता को पानी मिलता है। तो अगर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में पानी ही नहीं मिलेगा तो ये आगे दिल्ली वालों को पानी कैसे सप्लाई करेंगे?